Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास दिल्ली में जारी है। इस इजलास में साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के मुख्तलिफ रियासतों के वज़रा आला ने भी शिरकत की। इस इजलास में इंतखाबी नतायज और दीगर उमूर पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर का ओहदा कबूल करना चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो मुतालबा है वही उनका मुतालबा है, क्योंकि राहुल गांधी खवातीन और बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली में CWC इजलास से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने किसानों के खिलाफ काम किया, बेरोजगारी पर आवाम को धोखा दिया। ऐसे मौके पर राहुल गांधी ने जिम्मेदारी उठाई। किसानों, बेरोजगार नौजवानों और ख्वातीन के लिए राहुल गांधी मुसलसल लड़ते रहे हैं। तेलंगाना में बीजेपी के बेहतर मुजाहरे से मुतालिक सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के अरकान लोकसभा की तादाद 4 थी जो बढ़कर 8 हो गई है। पिछले इंतखाबात में कांग्रेस के पास 3 अरकान लोकसभा थे, तहम इस मरतबा 8 लोकसभा नशस्तों पर कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है। अमरीकी कौंसलेट में अमरीका की योम आज़ादी की तकरीब मनाई गई, जिसमें नायब वज़ीर आला तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमरीका से हैदराबाद के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो गए हैं। आने वाले दिनों में इन ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मुस्तहकम करने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलुगु आवाम के अमरीका के आवाम से बेहतर और मौजूं ताल्लुकात हैं। मीडिया की सरकर्दा शख्सियत रामोजी राव की मौत पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक आम घराने में पैदा हुए रामोजी राव टीवी और मीडिया की अहम शख्सियत के तौर पर उभरे, जिस पर तेलुगु आवाम को फख्र है। तेलुगु मीडिया की सरकर्दा शख्सियत रामोजी राव की मौत पर साबिक वजीर व BRS लीडर हरीश राव ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने लाश का दीदार किया और उनके गमजदा अरकान खानदान से ताजियत का इजहार किया। तेलुगु मीडिया की अहम शख्सियत रामोजी राव की मौत पर तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो रामचरण और हिदायतकार शंकर ने उन्हें भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलुगु फिल्म गेम चेंजर की शूटिंग के दौरान इनकी याद में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। मिरक के मौके पर दमे के मरीजों को मछली में दवा खिलाने का आगाज नुमाइश ग्राउंड पर किया गया है। बातनी गौड़ खानदान की जानिब से ये दवा तकसीम की जा रही है। हुकाम की जानिब से इस सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। स्पीकर जी प्रसाद और वजीर पूनम प्रभाकर ने मछली में दवा की तकसीम का आगाज किया। रियासती हुकूमत के ताउन से इस दवा की तकसीम 2 दिन तक की जाएगी, जिसके बाद बातनी गौड़ खानदान की जानिब से उनके घर पर यह दवा मरीजों में तकसीम की जाएगी। हल्के असम्बली खैरताबाद के वजारा जलसे डिवीज़न में मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने
39 استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کڈیانہ لکشمی اسکیمات کے چیکس تقسیم کیے. لوک سبھا کے کم عمر رکن پارلیمنٹ 26 سالہ ساگر کھندرے نے کانگریس لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کی. وہ کانگریس کے ٹکٹ پر بیدر لوک سبھا حلقے سے منتخب ہوئے. بہار مجلس کے صدر اختر الایمان نے انہیں ووٹ دینے والے عوام کا شکریہ ادا کیا. اپنے ویڈیو پیام میں اختر الایمان نے کہا کہ مجلس کے حامیوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب مل کر بہار کی ہر پنچایت تک پارٹی کو پہنچانے کا کام کریں گے. انہوں نے کہا کہ 2025 کے انتخابات سے پہلے بہار میں مجلس مستحکم ہوگی. شہر میں ڈیٹنگ ایپ اسکیم کا انکشاف ہوا ہے. ذرائع کے مطابق بعض لڑکیاں نوجوانوں کے ساتھ ڈیٹنگ ایپ پر دوستی کرتے ہوئے انہیں ہائی ٹیک سٹی کے علاوہ دیگر مقامات کے پبس لے جا رہی ہیں اور وہاں مہنگی شراب اور کھانے کا آرڈر دینے کے بعد لڑکیاں فرار ہو رہی ہیں. تحال اس طرح کے 8 معاملات کا انکشاف ہوا اور متاثرین پولیس سے رجوع ہوئے. ذرائع کے مطابق ٹنڈر اور دیگر ڈیٹنگ ایپ پر بعض لڑکیاں نوجوانوں سے دوستی کرتے ہوئے واٹس ایپ کے ذریعے انہیں ملاقات کے لیے پیغامات روانہ کر رہی ہیں. خاص طور پر میٹرو اسٹیشن کے قریب واقع ایک پب میں لے جا کر اندرون ایک گھنٹہ 40,000 روپے کا بل بنانے کے بعد یہ لڑکیاں وہاں سے فرار ہو رہی ہیں. ضلع رنگاریڈی میں ایک ڈھابے پر ایک شخص پر حملہ کرتے ہوئے اسے زخمی کر دیا گیا. اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا. اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ معمولی مسئلے پر جھگڑے کے بعد شراب کی بوتل سے حملہ کرتے ہوئے ایک شخص کو زخمی کر دیا گیا. اس واقعے کی شکایت پولیس سے کی گئی. وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے ایناڈو گروپس کے سربراہ و پدما وبھوشن راموجی راؤ کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. تلگو پریس ٹائیکون ایناڈو گروپس کے سربراہ و پدما وبھوشن راموجی راؤ ایک اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے. ان کے انتقال پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی موت تلگو پریس میڈیا اور کاروباری شعبوں کا نقصان ہے. راموجی راؤ کے سر تلگو صحافت کی ساکھ بنانے اور تلگو میڈیا کے شعبے میں ایک نئے رجحان پیدا کرنے کا سہرا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ نے راموجی راؤ کو ایک ایسے شخص کے طور پر سراہا جس نے قومی سطح پر تلگو عوام کی شان کو بڑھایا. انہوں نے کہا ہے کہ راموجی راؤ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے اس شعبے کی اقدار اور ساکھ کو بہت اہمیت دی ہے. ریونت ریڈی نے راموجی راؤ کی کمی تلگو میڈیا سیکٹر اور بزنس سیکٹر کے لیے بہت بڑا نقصان قرار دیا ہے. حکومت تلنگانہ نے راموجی راؤ کی آخری رسومات تمام سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ نارا چندرا بابو نائیڈو اور ان کی اہلیہ نے ممتاز صنعتکار وہ ایناڈو گروپس کے سربراہ راموجی راؤ کے جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کیا. راموجی فلم سٹی کے بانی راموجی راؤ کا آج صبح حیدرآباد کے ایک اسپتال میں دوران علاج انتقال ہو گیا. آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ کا حلف لینے والے ٹی ڈی پی صدر نارا چندرا بابو نائیڈو اور ان کی اہلیہ نے راموجی راؤ کی آخری رسومات کے موقع پر ان کی جسد خاکی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے افراد خاندان سے تعزیت کی. نارا چندرا بابو نے راموجی کی موت کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کام کیا. وہ ایک فرد نہیں بلکہ
अपने आप में एक सिस्टम थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बेशुमार खिदमत अंजाम दी थी। तेलुगुदेशम पार्टी के चीफ नारा चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी तकरीब की तैयारियां जारी हैं। वो 12 जून को आंध्र प्रदेश के वजीर आला का हलफ लेंगे। चंद्रबाबू नायडू की हलफबरदारी तकरीब गनवरम एयरपोर्ट के करीब कीसरापल्ली आईटी पार्क में मुनक्किद होगी। विजयवाड़ा जिला एसपी और कलेक्टर ने हलफबरदारी की तकरीब की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि हलफबरदारी तकरीब के लिए सामान भी पहुँच गया है। ये भी याद रहे कि हलफबरदारी तकरीब में मोदी को मधु किए जाने की इतलात मिली है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पार्टी लीडर राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज को मंजूरी देते हुए राहुल गांधी से लोकसभा में कायद हिज्ब इख्तलाफ का ओहदा संभालने की दरख्वास्त की है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने हफ्ते को वर्किंग कमेटी के इजलास के बाद पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी को अपोजिशन लीडर बनाने की करारदाद को मंजूर किया है और उन्हें उम्मीद है कि राहुल गांधी इस तजवीज को कबूल करेंगे। वर्किंग कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर राहुल गांधी से लोकसभा में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभालने की भी दरख्वास्त की है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि राहुल गांधी इसके लिए सबसे मौजूद शख्स है और वो पार्टी के मसाइल को पार्लियामेंट में मजबूती से उठाने और पार्टी की क़यादत करने के लिए एक बेहतरीन लीडर हैं। CWC के जानिब से की गई दरख्वास्त पर राहुल गांधी ने कहा है कि वो बहुत जल्द इस सिलसिले में कोई फैसला करेंगे। शहर हैदराबाद में 8 और 9 जून को दमा के इलाज के लिए मछली में दी जाने वाली दवा के हुसूल के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए। तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों और मुल्क के दीगर मकामात से दमा के मरीज हर साल जून के महीने में सांस के मसाइल से निजात पाने की उम्मीद लेकर मछली में दी जाने वाली दवा के लिए शहर हैदराबाद आते हैं। 8 और 9 जून को नामपली नुमाइश मैदान में मुनक्किद मछली प्रसादम की तकसीम के लिए 32 काउंटर्स लगाए गए हैं। याद रहे कि बथनी गौड़ खानदान के अफराद मानसून के आगाज पर दमे की दवा मुफ्त तकसीम करते हैं और हर साल 500 किलो से ज्यादा मछलियों में दमा की दवा दी जाती है। दमे के मरीज को मरल नामी जिंदा मछली को जड़ी बूटियों के पेस्ट के साथ निगलना होता है। इस दवा के बारे में ये दावा किया जाता है कि लगातार 3 साल तक अगर ये दवाई ली जाए तो राहत मिलती है और ऐसे अफराद जो सब्जी खोर हैं उन्हें गुड़ में दमा की दवा दी जाती है। बथनी खानदान का दावा है कि वो गुज़िश्ता 178 सालों से ये दवा मुफ्त तकसीम कर रहा है। जड़ी बूटियों की दवा का ये खुफिया फार्मूला उनके आबाओ अजदाद को 1845 में एक संत ने दिया था और दवा मुफ्त फराहम करने का पाबंद किया था। नुमाइश मैदान में 2 दिन तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के MLA पी कौशिक रेड्डी ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर को काबीना से बर्तरफ करने का मुतालबा किया है। पदी कौशिक रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर पूनम प्रभाकर लॉरी मालिकान से 50 लाख रुपए वसूल कर रहे हैं और अब तक 100 करोड़ रुपए हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि सामान के भारी बोझ को लेकर लॉरियाँ बगैर वे बिल के नकलो हमल कर रही हैं। रामागंडम NTPC से हुजूराबाद खम्मम तक रोजाना 30 लॉरियाँ भारी सामान ले जा रही हैं। पी कौशिक रेड्डी ने कहा है कि वो वजीर पूनम प्रभाकर को फौरी तौर पर काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा करते हैं। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना और कर्नाटक के 99 आज़मीन हज का आखिरी काफिला बजरिए बस चेन्नई एम्बारिक्शन पॉइंट रवाना हुआ।
हज की अदायगी के लिए इस साल तेलंगाना हज कमेटी के जरिए 11,672 आजमीन की रवानगी अमल में आई है। गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी, सैयद अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड, मोहम्मद फहीमुद्दीन कुरैशी वाइस चेयरमैन वो सदर टिमरीस के अलावा एमपी अनिल कुमार यादव, हज कमेटी के राकीन तकी आगा मुजीब वो दीगर ने आजमीन हज के आखिरी काफिले की रवानगी के मौके पर हज हाउस में मुनक्किद तकरीब में शिरकत की और आजमीन के बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि तेलंगाना और कर्नाटक के 99 आजमीन वेटिंग लिस्ट के जरिए मुंतखब हुए थे और ये आखिरी काफिला हज हाउस नामपल्ली से एसी बसों के जरिए चेन्नई एम्बारेशन पॉइंट के लिए रवाना हुआ। आखिरी काफिला 9 जून की दोपहर जिद्दा के लिए रवाना होगा और शाम तक जिद्दा पहुंच जाएगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत तेलंगाना ने बकरीद और ईद गदीर को आम तातीलात का ऐलान किया है। तेलंगाना हुकूमत ने आने वाले मुस्लिम त्यौहारों के लिए आम तातीलात को लेकर पाई जा रही तमाम उलझनों को दूर किया है। एक सरकारी ऐलान में हुकूमत ने बकरीद और ईद गदीर दोनों की तातीलात का ऐलान किया है। बकरीद 17 जून को मनाई जाएगी और ईद गदीर 25 जून को मनाई जाएगी। हुकूमत ने 17 जून और 25 जून दो दिन भी आम तातील का ऐलान किया है। रियासती वजीर सियाहत व सखाफत जूपल्ली कृष्णा राव ने नागार्जुना सागर हिल कॉलोनी में बुद्धा वनम के तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और सयाहों को बेहतर सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने MLA जयवीर रेड्डी के साथ नागार्जुना सागर हिल कॉलोनी में बुद्धा वनम का दौरा किया। वहां पहुंचने पर OST सुदन रेड्डी, बुद्धिस्ट तजियाकार डॉक्टर इमानी शिवा नागी रेड्डी व दीगर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर ने बुद्धा वनम में गुलहाय अकीदत पेश किए, बाद अजा महास्तोपा, स्तोपा वनम और ध्यान वनम का दौरा किया। वजीर ने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और महकमे सियाहत के अफसरान के साथ तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए सयाहों को हर किस्म की सहूलियात मुहैया करवाने की हिदायत भी जारी की। मिर्यालागुड़ा के MLA बी लक्ष्मा रेड्डी, नलगुंडा के साबिक नायब सदर करनाई लिंगा रेड्डी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। सुबोध कुमार सिंह डायरेक्टर NTA ने वाजह किया है कि नीट इम्तिहान की सालमियत पर मुल्क भर में कोई समझौता नहीं किया गया। नीट इम्तिहान के नतायज की इजराई में बेकायदियाँ पाई जाने वाली शिकायतों के चलते सुबोध कुमार सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि एक कमेटी ने तमाम मराकज और CCTV की तफसीलात का जायजा लिया है और ये पाया है कि मराकज पर वक्त ज़ाया हुआ है, लिहाजा तलबा के निशानात में इजाफा करने का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायतों का अजाला करते हुए उसी हिसाब से नंबरात में इजाफा किया जाएगा। NTA डायरेक्टर ने कहा है कि स्केलिंग फार्मूले के नतीजे में तलबा के स्कोर पर फर्क पड़ा है। 4,750 मराकज में से सिर्फ 6 मराकज पर ही ये मसला पाया गया। नतायज का भी शफाफ तज्जिया किया गया। उन्होंने वाजह किया है कि नीट इम्तिहान की सालमियत पर
कोई समझौता नहीं किया गया है। इधर लोकसभा हलके से मुंतखब हुए कांग्रेस एमपी सागर खंडारे ने राहुल गांधी से मुलाकात की। 26 साल सागर खंडारे ने कांग्रेस के टिकट पर पहली मर्तबा बिदर लोकसभा हलके से इंतखाबात में हिस्सा लिया और यूनियन मिनिस्टर भगवंत कोजा को 1,29,000 वोटों से हरा कर जीत हासिल की। खंडारे को 6,66,317 वोट मिले हैं। सबसे कम उम्र अरकाने पार्लियामेंट में शुमार किए जाने वाले सागर खंडारे ने राहुल गांधी से मुलाकात की। आपको बता दें कि साल 2019 में यूनियन मिनिस्टर भगवंत कोबा ने सागर खंडारे के वालिद ईश्वर खंडारे को शिकस्त दी थी। ताहम साल 2024 के लोकसभा इंतखाबात में ईश्वर खंडारे के बेटे सागर खंडारे ने यूनियन मिनिस्टर को हरा दिया। रियासत उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अराजी और लेनदेन के तनाजे के चलते हिंदू दहशतगर्दों ने लोहे की सलाखों से मारकर मौलाना फारूक का कत्ल कर दिया। जराय ने बताया कि प्रतापगढ़ जिला मरकज के 30 किलोमीटर दूर पर थाना जेठवाड़ा इलाके के सोनपुर गांव में हफ्ते की सुबह मौलाना फारूक की खून में नतपत लाश पाई गई है। वो एक मदरसा चलाया करते थे। इस कत्ल के बाद इलाके में इश्तियाल व कशीदगी फैल गई है। मुश्तैल अफराद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने नहीं दे रहे हैं। थाना जेठवाड़ा एसएचओ धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि मौलाना फारूक ने गांव के चंद्रमणि तिवारी की जमीन खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन चंद्रमणि ने जमीन उन्हें ना देकर किसी और को फरोख्त कर दी और जब वो पैसों के लिए सुबह चंद्रमणि के घर गए तो वहाँ लोगों ने उनके सर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसके सबब उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वाक़े की इतला पर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिंटेंडेंट व दीगर आला अफसरान मौके पर मौजूद हैं और नाश्त को पोस्टमार्टम के लिए तहवील में लेने की कोशिशें की जा रही हैं। मुकामी अपराध ने खातियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हज के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी। 14 परवाजों के जरिए 4,027 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए। फरीज़ा हज की तकमील के लिए पहुंचे लाखों फर्जंदान तौहीद ने हरम शरीफ में नमाज जुमा अदा की। हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक से भी आज़मीन सऊदी अरब पहुँच रहे हैं और हिंदुस्तान से अब तक 421 परवाजों के जरिए 1,24,918 आज़मीन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। मक्का मुकरमा में 1,23,957 और मदीना मुनवरा में सिर्फ 961 आज़मीन मौजूद हैं। दूसरी जानिब मुशायरा मुकद्दसा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। नमाज जुमा के मौके पर ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर नज़र रखने के लिए कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान अपनी टीम के साथ बस पॉइंट पर मौजूद थे। मेडिकल टीम और वॉलंटियर्स भी उनके हमरा मौजूद थी और आज़मीन की खिदमात में मसरूफ़ थी। आज़मीन हज को वजारत हज की जानिब से इस साल नुसुख कार्ड्स दिए जा रहे हैं। उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो नुसुख कार्ड की हिफाजत करें और बगैर कार्ड के बाहर ना निकलें। मक्का मुकरमा का दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस तथा 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms.